हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एमपी ब्लॉगर धन्वी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। उम्मीद करती कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ मेरा क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं अपना जो किचन है उसका क्लीन करने वाली हूँ। तो उसके पहले, अगर आप क्लीनिंग लवर हो या फिर चैनल पर न्यू आए हो, तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो मैंने क्लीनिंग अपनी स्टार्ट की है। ये जो काउंटर है और जो टाइल्स वगैरह लगी है ना, वहाँ से मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि दिखने में तो वाइट लग रही है, पर इस पर है ना और सब्जी वगैरह के छींटे थोड़े लग चुके हैं। बट मैं तो डेली ही क्लीन करती हूँ, फिर भी वो थोड़ा सा है ना वाइट जो कलर है ऑफ वाइट में बदल गया था। पहले तो मैं नीचे खड़े होकर क्लीन कर रही थी, फिर क्लीन नहीं हो रहा था अच्छे से, मेरा हाथ अच्छे से नहीं पहुंच रहा था। मैं इसके जो टाइल्स लगी है ना जस्ट उसके ऊपर पूरा काला काला हो गया था, वो मुझे मतलब मेन तो मेरा वही था कि उसे मुझे साफ करना था। फिर मैं काउंटर टॉप पर चढ़ गई और सर गिरा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। बट जैसे जैसे मैं चढ़ गई तो बस मैंने थोड़ा सर्फ लेकर और ब्रश लेकर उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है, और फिर प्लेन वाटर से इसे मैं अच्छे से क्लीन कर। और टाइल्स, काउंटर टॉप और गैस मेरे क्लीन हो गई हैं। तो ये देखिए जो जाली है ना, इसमें बहुत सारी धूल लगी हुई है। इससे मैंने लास्ट टाइम 2 से 3 महीने ही पहले क्लीन किया था, तो अभी ठंड थी ना इसी कारण मैं क्लीन भी नहीं कर रही थी, क्योंकि पूरा किचन जो है ठंडा हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो पानी, क्या बोलते सीलन ही कहते, तो इस तरीके का हो जाता है, तो और भी ठंडा हो जाता है, फ्रेश बार बार आती है, तो इसी कारण मैं पता है नहीं कर रही थी। तो आज भी वैसे पता बहुत ठंड है, पर मैंने सोचा नहीं यार कर ही लेती हूँ, एक दो दिन के बाद सूख जाएगा। तो देखिए जाली अभी क्लीन हो गई है, तो मतलब थोड़े से पानी से मैंने धो लिया है और एक ब्रश से इसे अच्छे से साफ कर लूँगी। तो जब मैं साफ कर लूँगी ना, आप लोग देखना कितना अच्छा साफ दिखेगा, अच्छा क्लीन दिखेगा, क्योंकि गंदी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना। और जाली वगैरह क्लीन हो चुकी है, तो यहाँ पर मैंने गुंडी और जो फिल्टर वगैरह रखा हुआ था, तो ये एरिया रह गया था क्लीन करने का, तो मैंने यहाँ से हटा दिया और फिर उसे क्लीन कर लिया। फिर सिंक के पास, मतलब सिंक वाला एरिया, इसे भी क्लीन करना था। और फिर मुझे ये नल है इसे भी क्लीन करना है, क्योंकि इसको पता है मैंने काफ़ी दिन हो गए क्लीन नहीं किया, तो मैं सोच रही थी कि चलो अब साथ में इसको भी क्लीन कर ही लेती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फुल वॉच कीजिए, आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं इससे मेरा ही नुकसान होता है, तो प्लीज़ आप फुल वॉच कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और यहाँ पर पता लाइट चली गई थी, लाइट जाने के बाद फिर मैंने 1 से 2 घंटा ऐसे ही बैठी रही, मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, फिर मैं चेंज भी नहीं कर सकती, मैं सोचा यार फिर और दूसरे कपड़े चेंज करूँगी तो वो भी गीले हो जाएंगे, तो इसी कारण फिर मैं गीले ही कपड़े पहन कर बैठी रही। और वैसे भी मौसम बहुत ख़राब है, ठंडा मौसम हो चुका है, बारिश भी हो रही है। और फिर लाइट आने के बाद मैंने ये सिंक वगैरह और यहाँ से भी मैंने क्लीन कर लिया है, और नीचे से भी मैंने क्लीन कर ही लिया है। तो बस ऐसे हाथ से ही मैं क्लीन कर लूँगी एक बार फिर से, इधर साइड का तो मैंने क्लीन कर लिया है। और फिर यहाँ पर ना चाय वगैरह की, मतलब चाय गिर जाती है तो वो दाग बन चुके, जो कि आप लोगों को दिखता होगा, तो मैं उसके ना मिटाने की कोशिश कर रही थी, पर वो मिटे तो नहीं। और फिर यहाँ से सिलेंडर हटा के यहाँ पर भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है, क्योंकि वो डाउन है ना, तो फिर झाड़ू हो गया, मतलब झाड़ू या फिर जो भी कचरा रहता है ना, झाड़ू जैसे लगाती हूँ तो वो कचरा पता है उसमें फंस जाता है। मतलब वैसे तो मैं डेली सिलेंडर उठा के क्लीन नहीं कर सकती हूँ ना, तो जैसे हफ्ते में एक बार तो क्लीन कर ही लेती हूँ, पर फिर वो कचरा वहाँ पर चला ही जाता था, तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलो इसको भी ना पानी से मैं धो ही लेती हूँ।
अब मुझे क्लीन करना है ये फर्श, इसे क्लीन करना है, ये भी गंदी हो चुकी है, इसे भी क्लीन करना है। और इसके साथ साथ ही मैं सोच रही थी कि जैसे कि रैक वगैरह है वो भी क्लीन कर लेती हूँ, पर काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से लाइट ना चले जाए, क्योंकि लाइट पता बार बार जा रही है, यहाँ पर बारिश हो रही है ना तो इसी कारण लाइट भी जा रही है। तो इसी कारण मतलब आज तो मैंने क्लीन नहीं किया है, बट कल इसमें जैसे कल वगैरह मैं क्लीन करूँगी, तो वो भी क्लीनिंग रूटीन है ना आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, मैंने जो डोर चेंज किया है, मतलब उसका जो मतलब दूसरे साइड लगाया है, तो वो कैसा लग रहा है आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, मैंने सही किया कि नहीं ये भी मुझे बता सकते हैं आप। और आप देख सकते हैं किचन का जो स्पेस है ना ज़्यादा बढ़ चुका है, मीन्स कि वो बीच में आ जाता था डोर, तो बिल्कुल भी मीन्स कि थोड़ा सा ना कंजेस्टेड लगता था। अब देखिए अब अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ये इधर साइड डोर हो गया, तो ये पता है एक रैक, मतलब जैसे रैक में होते हैं ना डोर लगे हुए, उस टाइप का हो गया। मेरे जो बर्तन है, जो डिब्बे है, यहाँ पर रखूँगी, मतलब रखती हूँ तो वो भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो मैंने जो जाली वाला डोर है इसे भी थोड़ा सा मैंने धो लिया है। वो पता है जब मैं जाली वाला डोर धो रही थी ना, वो पानी अंदर जा रहा था और फिर पेपर वगैरह एक जो बर्तन रखे थे वो गीले हो रहे थे, इसी कारण मैंने उसे ना थोड़ा सा धुला और फिर जो डोर था उसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने पहले तो सर्फ से घिस लिया था और पानी डाल के इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब मेरा किचन का वैसे काम हो ही गया, बस ये जो रैक वगैरह बनी हुई है ना, थोड़ा सा मुझे पेपर वगैरह वो चेंज करूँगी, या फिर उसे थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा झटक झटक के उसे है ना, या फिर उसे ही लगा दूँगी। और जो मेन चीज़ थी वो तो क्लीन हो ही गया है। तो चलिए यहीं पर मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।